What's up दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं अमेजिंग टेक टीवी और न्यूज ऑफ टेक के फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब दबा दीजिए, जो आपके राइट में है बटन लाल वाला, और एक बड़ा सा लाइक छोड़ दीजिए। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज ये निकल के आ रही है कि Xiaomi का Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro ये बहुत ही जल्दी आने वाला है इंडिया में, और बहुत ही अच्छा फ़ोन है मैंने सुना है। और इसकी कुछ एक बड़ी अच्छी फीचर बताता हूँ कि Redmi Note 7 comes with a 48 megapixel of Samsung ISOCELL Bright GM1 sensor, जो कि बहुत बहुत अच्छा कैमरा होने वाला है। और वही सिमिलरली Note 7 Pro अगर आप देखोगे तो Note 7 Pro आ रहा है 48 मेगापिक्सल ऑफ सोनी IMX586 सेंसर। तो आई थिंक Note 7 काफ़ी अच्छा रहेगा व्हेन इट कम्स टू कैमरा, काफ़ी अच्छे क्लिक्स कर सकते हो आप। एस्टिमेटेड प्राइस आपको बता देता हूँ कि 3GB रैम वेरिएंट विथ 32GB ऑफ रॉम वो आएगा कुछ करीबन 10,600 के आसपास। दूसरा वेरिएंट है 4GB वाला 64GB, वो आएगा कुछ 12,800 के आसपास। तीसरा वेरिएंट है 6GB रैम एंड 64GB रॉम, और वो करीबन 14,900 तक आएगा। ये है Redmi Note 7 का प्राइसेस जो मैंने बताया आपको, और वो ये शायद आएगा ट्वाइलाइट गोल्ड में, फैंटेसी ब्लू या ब्राइट ब्लैक कलर में, तो तीन कलर के ऑप्शंस है। और सिमिलरली नोट 7 प्रो अगर आप देखोगे तो रफली अराउंड 21,300 के आसपास की प्राइसिंग है। बट अगेन ये ऑफिशियल प्राइसिंग नहीं है, तो जब ऑफिशियल प्राइसिंग आएंगी तब आपको पता चलेगा और मैं आपको बताऊंगा कि कितना इसकी प्राइस। Samsung A50 ये एक फ़ोन अनाउंस हो चुका है और ऑफिशियली आने वाला है इंडिया में, एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फ़ोन टू बी ऑनेस्ट। इसकी प्राइसिंग क्विक झटपट बता देता हूँ आपको कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 19,900 के आसपास, 19,900 के आसपास, फोर 4GB रैम एंड 64GB रोम का वेरिएंट है। और साथ ही साथ दूसरा और एक वेरिएंट है जो 22,900 के आसपास रहेगा, जो 6GB और 64GB का वेरिएंट रहेगा। तो आई थिंक और बहुत एक्साइटिंग फ़ोन है टू बी वेरी ऑनेस्ट A50। मैंने इसके कुछ कुछ रिव्यूज़ देखे हैं, बट जब फ़ोन आएगा तब मैं उसका पूरा एक रिव्यू भी दूंगा आप सब लोग के लिए। तो अगली न्यूज़ ये देखते हैं कि Samsung A30 का भी फ़ोन आ चुका है, जैसे मैंने आपको बताया कल के वीडियो में, और ये प्राइसिंग है कुछ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 16,990 के आसपास। बट अगेन ये ऑफिशियल प्राइसिंग नहीं है, एटलीस्ट Samsung A30 की, तो ये आज मालूम पड़ेगा जब लॉन्च होगा फ़ोन। और अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि Samsung M30 करके और एक अनदर फ़ोन है, तो A सीरीज़ है और एक M सीरीज़ भी है, तो दो सीरीज़ है बेसिकली। तो अब हम बात कर रहे हैं कि M30 जो है वो ट्रिपल रेयर कैमरा के साथ आने वाला है, विच इज़ ऑल्सो गोन बी वन ऑफ द बेस्ट फीचर, की 5000 mAh की बैटरी है, तो दैट इज़ रियली रियली ह्यूज। आप ही सोच लो कि पूरा दिन कैसे निकल जाएगा फ़ोन पे, आपको सच में पता नहीं चलेगा। 5000 mAh बहुत बहुत ज़्यादा हो गया। और इसकी कुछ प्राइजिंग है आई थिंक फ्रॉम 14,900 के आसपास फॉर 4GB रैम एंड 64GB रोम का वेरिएंट है, और एक वेरिएंट है जो 6GB रैम का है और 128GB का स्टोरेज है, जो बहुत बहुत अच्छा है, और वो करीबन 17,990 है। तो बजट फोन्स में सैमसंग आई थिंक कमाल और धमाल मचाने वाला है। आप बताइए कमेंट्स में कि कैसा लगता है कि सैमसंग एम सीरीज़ और ए सीरीज़ क्या कमाल मचाएंगे मार्केट में। अगली न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप इनविटेशन कंट्रोल फीचर ये एक बेटा वर्जन में दिखाई गया है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, बट एंड्रॉयड का बेटा वर्जन में दिखाया गया है कि शायद ये आ सकता है ऑफिशियल व्हाट्सएप इसमें। अब ये फीचर क्या है कि समझो अनोनमसली आपको पता है कि कोई कोई आपको ग्रुप में ऐड कर देता है, अब आपके हाथ में वो कंट्रोल रहेगा कि आप उसको एक्सेप्ट करें या उसको रिजेक्ट करें, वो पर्टिकुलर ग्रुप का इन्विटेशन। इससे ये होगा कि डेफिनेटली आप पिक एंड चूज कर सकते हो कौन से ग्रुप में आपको जाना है या कौन से ग्रुप में नहीं जाना है। आर यू डू यू फील दैट यू आर इन्वाइटेड और मे बी यू डोंट वॉन्ट बी इन दैट ग्रुप,
whatever it is, whatever the reason is, आप decide कर सकते हो कि आपको group में जाना है या नहीं जाना है. But पता नहीं कब आएगा ये feature. बहुत जल्द expect कर रहे हैं, महीने दो महीने के अंदर अंदर ये feature. अगली news निकल के ये आ रही है कि OnePlus के CEO पीट लाउ इन्होंने confirm कर दिया है कि जो upcoming flagship smartphone OnePlus का जो OnePlus 7 है वो वायरलेस चार्जिंग नहीं रहेगा अनफॉर्चुनेटली. मैं बहुत ही वेट कर रहा था ज़्यादा कि वन प्लस सेवन में एटलीस्ट आ जाए वायरलेस चार्जिंग. शायद उनके पास वायरलेस चार्जिंग का मे बी वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं है अभी हाल फिलहाल में, या सपोर्ट है बट वो उनको डालना नहीं है मे बी कॉस्ट कंट्रोल वाइज, बिकॉज उनको चीप बेचने हैं फ़ोन्स. सो आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़, बट आई रियली रियली फील कि ये फीचर रहना चाहिए. बहुत बेसिक फीचर है वायरलेस चार्जिंग, और आई एम श्योर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही है वायरलेस चार्जिंग की और डिमांड बढ़ेगी, और वायरलेस चार्जर सस्ते होंगे तो लोग चार्जर्स नहीं यूज़ करेंगे, यू नो जो नॉर्मल प्लग चार्जर्स है, रादर देन दैट वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड्स हो जाएगा वेरी सून इन द फ्यूचर. सो अगले न्यूज़ निकल के आ रही है कि स्पॉटिफाई करके एक ऐप है जो म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप है, वेरी फेमस इन अमेरिका और काफ़ी सारे देशों अलग देशों में भी. और ये स्पॉटिफाई का जो ऐप है वो ट्रस्ट मी मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हूँ इसको यूज़ करना, और इसकी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है. इट्स वेरी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है स्पॉटिफाई क्या है, इट्स वेरी सिमिलर टू जियो सावन ऐप या मे बी अमेजोन म्यूजिक ऐप या विंक ऐप जो भी है, बट उससे कहीं कहीं बेटर है क्योंकि आपको इसमें ना कि सिर्फ गाने मिलते हैं बट आपको इसमें पॉडकास्ट भी मिलता है. तो जिसको आपको पता नहीं है पॉडकास्ट क्या है, पॉडकास्ट एक ऐसा चीज़ है जो काफ़ी सारे सक्सेसफुल लोग यू नो वो पॉडकास्ट होस्ट करते हैं और कुछ सारी बातें करते हैं जो आप सिर्फ ऑडियो वाया ऑडियो आप सुन सकते हो, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है पॉडकास्ट. सो मैं काफ़ी पॉडकास्ट सुनता हूँ, तो आप भी प्लीज़ सुनिएगा. और आज के लिए बस इतना ही, एंड स्पॉटिफाई के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ. सोच रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन करूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्पॉटिफाई एंड हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, और बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ पेड ऐप. पेड ऐप मतलब फ्री है बट 30 डेज का एक ये भी देते हैं वो ट्रायल पीरियड जस्ट इन केस आपको प्रीमियम जाना है तो, और उसके बाद कुछ ₹119 कुछ प्रति महीने का है. तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन, बट जिस जिसको लगता है कि ये स्पॉटिफाई इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन तो आप उसके ऊपर जा सकते हो. तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने अगर सब्सक्राइब किया है तो वेरी वेरी मच थैंक यू, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और एक बड़ा सा लाइक बटन दबा दीजिए. सो आज के लिए इतना ही, यू टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय.